लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। शिवसेना प्रणीत कामगार सेना के प्रदेश सचिव घनश्याम नाइक ने तुर्बे की औद्योगिक कंपनियों से निकाले गए कामगारों को न्याय दिलाने की मांग की है। आज मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनश्याम नाइक ने कामगारों को जबरन काम से निकाले जाने की जानकारी देते हुए कंपनियों के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि यदि कामगारों को जल्द काम पर वापस नहीं लिया गया तो वे कंपनियों के खिलाफ तीव्र आंदोलन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। देखिए ऐसा है कि आज हमने यहाँ के जो पुलिस आयुक्त है उनको एक हमने निवेदन दिया हुआ है जिसमें हमने ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र राज्य माथाड़ी आणि जनरल कामगार सेना, ये जो हमारी संगठन है जिनके अध्यक्ष सन्माननीय श्रीपाद अप्पा पराड़कर है और उनके सरचिटनीस जो है राजेश जी माणिक साहब है, उन्होंने ये एक पत्रक दिया हुआ है कि वहाँ पर जो तुर्भे में साई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी जो है जहाँ पर हमारा 4 महीने से काम चल रहा था और 4 महीने के बाद एक दिन अचानक आकर यहाँ के जो तुर्भे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है राजेंद्र जी आवार साहब, इन्होंने आकर कामगारों को ये काम बंद करने के लिए कहा। उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और ये जो हमारी संगठन है महाराष्ट्र राज्य माथाड़ी आणि जनरल कामगार सेना, उनसे भी कोई उन्होंने पत्र व्यवहार नहीं किया, उनसे भी कोई पूछा नहीं है। जब हमारे पदाधिकारियों को ये बात मालूम पड़ गई, कामगारों ने एक निवेदन हमको दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वहाँ पर आके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अवार्ड साहब जी है, उन्होंने ये काम रोकने के लिए कहा, यहाँ पर फिर से काम करने का नहीं, अगर ये काम किया गया तो आपके ऊपर गुनाह आपके ऊपर कर दिया जाएगा, जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। इस तरीके का निवेदन जो है हमारे अध्यक्ष को जब मिला तब हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है सर चिटनीस जी, हमारे जो सन्माननीय राजेश जी माणिक साहब है, विजय गवई साहब है, हमारे विठ्ठल आवार साहब है, विनोद पवार साहब है और यहाँ के जो हमारे जिलाध्यक्ष है संतोष जी घोसाळकर साहब, इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को ये पूछने का प्रयास किया कि ये काम रोका गया क्यों है और उसके साथ उन्होंने जो कायदे से हमें जो पेपर होने चाहिए हमारे पास, ये सारे पेपर उनके पास लेकर गए थे जिनमें ये लिखा गया था बोर्ड की तरफ से कि ये जो टोली जो काम कर रही है 32 11, आप उन्हें काम करने के लिए प्रोटेक्शन दे, अगर उनको कोई धमकाता है, अगर उनको काम कोई रोकता है तो। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया है, यहाँ खुद उन्होंने आकर वो काम रोका हुआ है। जब हमारे संगठन के पदाधिकारी वहाँ पर गए तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए भी इनकार किया, हमारी बात भी सुनने के लिए इनकार किया, हमारे से कोई पेपर मांगे नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरीके से ये काम क्यों रोका गया है ना। आम्ही सांगितले आम्ही शिवसेनेचे शिवसैनिक आहोत, बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत, आमची भूमिका शेवटचं आमचं जे अस्त्र आहे ते म्हणजे आंदोलन आणि शिवसेना स्टाईलनेच आम्ही आंदोलन करू।